गुड मॉर्निंग टू ऑल. यस्टरडे वी स्टार्ट द पेपर कंटिन्यू मैकेनिक्स एंड इन कंटिन्यू मैकेनिक्स वी स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट एंड द चैप्टर फर्स्ट इज मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज. वी डिस्कस द टॉपिक इन चैप्टर फर्स्ट इंडेक्स नोटेशन ऑफ वेक्टर. इन इंडेक्स नोटेशन ऑफ वेक्टर फर्स्ट वी टेक द फिगर एंड इन फिगर y1, y2 एंड y3 बी द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ओ एज द ओरिजन और yi मीन्स i इक्वल टू 1, 2, 3 सच दैट y1, y2 एंड y3 बी द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग द ओरिजन पॉइंट एट ओ. वी टेक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड टेकन एज PQ एज डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोपिपेड. PQ इज शोन बाय वेक्टर A. ये PQ इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है. कल भी डिस्कस किया था ये सभी. इसको सपोज वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, वेक्टर ए बी एनी वेक्टर सिचुएटेड एट एनी पॉइंट पी इन पैरेललोपिपेड एंड इवन बी द यूनिट वेक्टर करस्पोंडिंग टू y1 एक्सिस, e2 be the unit vector corresponding to y2 axis and e3 be the unit vector corresponding to y3 axis. y1, y2, y3 axis हो गए, e1, e2, e3 unit vectors हो गए. ठीक है, ये parallelopiped यहाँ पर लेते हुए इसका diagonal PQ इसको किससे represent किया, vector A से. ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया PQ. ठीक है, ये PR इसकी डायरेक्शन ये हो गई और इसकी डायरेक्शन जो है वो ये. तो यहाँ से ट्रायंगल ओरिजिनेट हो रहा है PQR. ये ट्रायंगल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया था कैपिटल A1, कैपिटल A2 एंड कैपिटल A3 बी द प्रोजेक्शंस of the vector A corresponding to y1, y2 and y3 axis. कि a1, a2, a3 जो है वो projection है vector A के इन axis के corresponding. Next अपना point है इसमें कि capital A1 be the projection of vector A in y1 direction and e1 be the unit vector, then A1 into E1 is the vector component along to Y1 axis. Okay. A2 be the projection of vector A in Y2 direction or Y2 axis भी कह सकते हो यहाँ पर कि vector A का Y2 axis के corresponding जो projection है वो A2 है और E2 unit vector है. Then A2 into E2 is the vector component along to Y2 axis. Similarly, we say that A3 is the vector component along to Y3 axis, where A3 is the projection of A along to Y3 axis and E3 is unit vector corresponding to Y3 axis.
ठीक है, तो मेनली इसको वेक्टर ए से नोटेशन डिनोट किया है, डायगनल है ये इस पैरेललोपाइपेड के लिए, ए वन ए टू ए थ्री आर प्रोजेक्शंस एंड यूनिट वेक्टर्स आर ए वन ए टू ए थ्री। तो प्रोजेक्शन और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट द वेक्टर कंपोनेंट ए वन ई वन ए टू ई टू एंड ए थ्री ई थ्री एलोंग टू द वाई आई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये डायग्राम हो गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। वाई आई बी द रेक्टेंगुलर कार्टिशियन एक्सिस हैविंग पॉइंट ओ एच ओरिजन, ई वन ई टू ई थ्री बी द यूनिट वैक्टर एलोंग टू द एक्सिस, कैपिटल ए बी एनी वैक्टर सिचुएटेड एट द पॉइंट पी एंड इन फिगर कैपिटल ए इज शोन बाय पी क्यू विच इज डायगनल ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपर। ए वन ए टू ए थ्री बी द प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल ए अलोंग वाई आई एक्सिस। अब यहाँ पर ये वेक्टर कंपोनेंट है, इनका बताया है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई वन एक्सिस इज ए वन एंड ए वन इज यूनिट वैक्टर, देयर फोर ए वन ई वन इज द वैक्टर कंपोनेंट अलोंग वाई वन एक्सिस। सिमिलरली ए टू ई टू एंड ए थ्री ई थ्री आर वैक्टर कंपोनेंट अलोंग वाई टू एंड वाई थ्री एक्सिस रेस्पेक्टिवली। क्लियर होगा सभी को यहाँ तक? Now we represented the vector A in index notation. Vector A. अब next देखो, सबसे first point discuss करेंगे कि ये vector A है, इसको index notation में represent करना है, ठीक है। अब इसके लिए triangle यहाँ पर लोगे पी क्यू आर। From triangle PQR, vector PQ equal to vector PR plus RQ, ठीक है, vector PQ equals to PR plus RQ, PR plus RQ, आर क्यू ये है किस डायरेक्शन में है, ये वाई थ्री डायरेक्शन में या वाई थ्री एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है आर क्यू। सो आर क्यू ये इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वेक्टर कंपोनेंट क्या है ए थ्री ई थ्री, तो आर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा ए थ्री ई थ्री। पी क्यू इज वेक्टर ए, ये वैल्यू आ गई अपनी। अब इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी आर कि इसको, अब ये पी आर जो है ये वाई वन डायरेक्शन में भी नहीं है, वाई टू डायरेक्शन में भी नहीं है और वाई थ्री डायरेक्शन में भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ट्रायंगल सपोज करोगे पी एम आर, ओके। इसकी वैल्यू के लिए वी टेक द ट्रायंगल पी एम आर एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर। ये किस किस के इक्वल होगा, पी एम प्लस एम आर, ठीक है। पी एम, पी एम किस डायरेक्शन में है, वाई टू डायरेक्शन में है, वाई टू डायरेक्शन में, वाई टू डायरेक्शन में है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैक्टर कंपोनेंट ए टू ई टू है, ठीक है। तो पी एम की वैल्यू ए टू ई टू। ये एम आर ये किस डायरेक्शन में है, ये, और ये वाई वन डायरेक्शन में, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग वेक्टर कंपोनेंट ए वन ई वन। सो एम आर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वन ई वन, या एम आर इक्वल टू कह सकते हो वेक्टर कंपोनेंट ए वन ई वन। तो इसकी वैल्यू ये हो गई और ये इसके इक्वल हो गया, सो वी फाइंड पी आर, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल पी एम आर we see that PR equal to PM plus MR, PM A2 E2 plus A1 E1. So vector A equals to, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, A1 E1 plus A2 E2 plus A3
So the vector A can be represented as the vector components or sum of the vector components along to the y1, y2, y3 axes respectively. ये वेक्टर कंपोनेंट है वाई वन एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये वाई टू एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये वाई थ्री एक्सिस के अकॉर्डिंग. तो वेक्टर ए को थ्री एक्सिस के वेक्टर कंपोनेंट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अ वेक्टर कैपिटल ए इज रिप्रेजेंटेड एज द प्रोजेक्शंस अलोंग वाई आई एक्सिस and unit vectors or sum of the vector component along to yi axis respectively. ठीक है, तो इसी को ये mathematical form हो गया और इसी को इस form में language में इस तरह से represent कर सकते हो. Next देखो, तो इक्वेशन फर्स्ट में वेक्टर ए को वेक्टर कंपोनेंट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसका है कि जो वेक्टर ए है उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस. सपोज कैपिटल ए, वेक्टर ए को तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए और उस पर एरो लगाओगे, ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल ए ओनली. ठीक है, ये तो वेक्टर ए है एंड कैपिटल ए बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. अब सबसे फर्स्ट देखो, वेक्टर ए है इसका वाई वन डायरेक्शन में या वाई वन डायरेक्शन के साथ बनाया गया जो एंगल है ये थीटा वन, वेक्टर ए का वाई टू डायरेक्शन के साथ बनाया गया एंगल थीटा टू, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, और वेक्टर ए का वाई थ्री एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल थीटा थ्री, ये एंगल जो है वो थीटा थ्री से इसको रिप्रेजेंट करोगे. ये एंगल थीटा थ्री, तो थीटा वन, थीटा टू एंड थीटा थ्री बी द एंगल्स ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई आई एक्सिस रेस्पेक्टिवली. क्लियर है, वेक्टर ए का वाई वन डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा वन, वेक्टर ए का y2 डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा 2 एंड इसके साथ एंगल थीटा 3. तो देखो नेक्स्ट यही है, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस. कैपिटल A बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. वेक्टर A मेक्स एन एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई आई एक्सिस. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू मीन्स वेक्टर A. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पी क्यू विद रेस्पेक्ट टू वाई वन, वाई टू, वाई थ्री एक्सिस आर. डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करते हो, जैसे ये है पी क्यू, पी क्यू का वाई वन एक्सिस के साथ डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इस पी क्यू वाई वन के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसके कोस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये कोस थीटा वन हो जाएगा. लाइन पी क्यू का वाई टू डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन जो है वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा टू, और इसका इस डायरेक्शन में कोस थीटा थ्री. तो लाइन पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा वन, कोस थीटा टू और कोस थीटा थ्री. सपोज इनको किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल ए वन, स्मॉल ए टू और स्मॉल ए थ्री से. ए वन इक्वल टू कोस थीटा वन, ए टू इक्वल टू कोस थीटा टू एंड ए थ्री इक्वल टू कोस थीटा थ्री. अब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का जो सम होता है वो वन के इक्वल होता है, ठीक है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इक्वल टू वन. या सिंपल यहाँ पर कहो कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स मीन्स कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा थ्री इक्वल टू वन. इसको इक्वेशन सेकंड ले लो,
इक्वेशन थर्ड मार कर दो। नेक्स्ट देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू एंड कैपिटल ए थ्री बी द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये वाई वन एक्सिस के अकॉर्डिंग वेक्टर ए का कार्टेशियन कंपोनेंट है, वेक्टर ए का वाई टू एक्सिस के अकॉर्डिंग कार्टेशियन कंपोनेंट, ए टू वाई थ्री एक्सिस के अकॉर्डिंग कैपिटल ए थ्री। फर्स्ट उसने जो बताया था वहाँ पर प्रोजेक्शंस सपोज किए थे ए वन ए टू ए थ्री विद द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग टू द एक्सिस। अब कार्टेशियन कंपोनेंट का मीन्स क्या है? कार्टेशियन कंपोनेंट का मीन्स वेक्टर ए का इसके डायरेक्शन कोसाइन से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे देन वी गेट ए वन। ठीक है, वेक्टर ए को कोस थीटा से थीटा टू से मल्टीप्लाई करोगे देन ए टू, एंड ए थ्री इक्वल टू वेक्टर ए को इसके डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करोगे, इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, कोस थीटा वन कोस थीटा टू कोस थीटा थ्री, क्या सपोज किए थे ए वन ए टू ए थ्री। तो मीन्स क्या हुआ कि कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई वन डायरेक्शन आर ए वन इक्वल टू ए इन टू स्मॉल ए वन, ए टू कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई टू डायरेक्शन ए इन टू स्मॉल ए टू, और ए थ्री क्या है यहाँ पर कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई थ्री डायरेक्शन, तो ये ए इन टू ए थ्री। स्क्वायर्स कर दो, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तीनों में कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर।